बेटा इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम इंग्लिश ग्रामर का अति महत्वपूर्ण चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दे रहे हैं, और उसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम कुछ स्पेशल रूल्स बता रहे हैं। तो इस समय हम इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस कैसे बने यह बता रहे हैं। इससे पहले हम इन्फिनिटिव के विषय में बता चुके हैं, आज उस विषय में हम आगे बताएंगे कि यदि वाक्य देर से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में देर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है और इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे देर लिव्ड ए किंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक राजा रहता था। इस तरीके से देर का प्रयोग होता है तो देर का कोई अर्थ नहीं होता। देर आर फाइव गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में 5 लड़कियां हैं, तो इस तरीके से इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो आज उसका बताएंगे और उसके साथ इन्फिनिटिव होगा तो उसका प्रयोग कैसे होता है, देर वाले वाक्य आज हम आपको बताएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। रूल नंबर 4, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देर प्लस वर्ब, देर के बाद वर्ब आएगी, फिर दस नाउन या प्रोनाउन में से कुछ, दस इन्फिनेटिव हम आपको इससे पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लगता है तो वो इन्फिनेटिव कहता है। के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसका पैसिव वॉइस निम्न प्रकार होगा, अर्थात उसका पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव वाक्य की रचना इस प्रकार होती है। इस तरह पैसिव वॉइस में वाक्य लिखा जाता है। सर्वप्रथम देर आएगा, उसके बाद वर्ब, जो भी वर्ब होगी वाक्य के अनुसार, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद टू बी, उसके बाद आएगा मेन वर्ब थर्ड। तो ये स्ट्रक्चर होता है देर प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब थर्ड। तो आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्टिव वॉइस, देर इज नो मनी टू बाय, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो देर का कोई अर्थ नहीं है। देर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में इसमें कार्य कर रहा है। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, देर इज नो मनी टू बी बोर्ड, सर्वप्रथम देर आया, उसके बाद वर्ब आई इज, फिर नो मनी इसमें प्रोनाउन है वो आया, उसके बाद टू बी, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड, बाई की थर्ड फॉर्म वर्ब होती है। तो इसी प्रकार अन्य सेंटेंस में भी यही स्ट्रक्चर चलेगा। एग्जाम्पल टू, एक्टिव, देर इज नथिंग टू गेन, उपलब्धि के लिए कुछ नहीं है, प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इसकी पैसिव कैसे बनेगी, देर इज नथिंग टू बी गेन, वो भी लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एक्टिव, देर इज टाइम टू स्टडी, पैसिव, देर इज टाइम टू बी स्टडी, ये पैटर्न होगा। नंबर 4 एक्टिव, देर वाज नो वन टू लव, प्यार करने के लिए कोई नहीं था। अगर ऐसा होता नहीं कि कोई ना हो, यदि कोई पुरुष स्त्री या प्राणी ना हो तो ईश्वर से प्यार कर सकता है, प्रकृति से प्यार कर सकता है, म्यूजिक से प्यार कर सकता है, आर्ट लवर होते हैं आर्ट से प्यार कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, देर वाज नो वन टू लव पैसिव, देर वाज नो वन टू बी लव। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे इन्फिनेटिव के विषय में हम फिर बताएंगे अगली वीडियो में कि यदि वाक्य इट से प्रारंभ हो तो उसका इन्फिनेटिव कैसे बनता है। आशा है आप हमारे चैनल से लाभान्वित हो रहे होंगे, और अपने नियर एंड डियर्स को, अपने सभी साथियों को, अपने सभी सगे संबंधियों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।